गाइस वेलकम बैक माय चैनल दोस्तों लिंपिंग सीरीज के सेकंड पार्ट में आप सबका स्वागत है दोस्तों लास्ट वीडियो एकदम से डेडिकेटेड था उन लोगों के लिए जो कि जस्ट अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए हैं उनका टाका भी नहीं कटा है एकदम स्टार्टिंग से कैसे उनको एक्सरसाइज करनी है वो सारे एक्सरसाइजेस मैंने बताए थे दोस्तों आज का वीडियो मेनली उन लोगों के लिए फोकस्ड है जो कि हॉस्पिटल से आने के बाद उनको करीब 20-25 दिन हो गया है या फिर एक महीना हो गया है उनका पैर थोड़ थोड़ा थोड़ा उठने लग गया है बट उन्हें पता नहीं है कि प्रॉपरली कैसे एक्सरसाइज करना है मैं मेनली वो सारे एक्सरसाइज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ दोस्तों तो आज की वीडियो में जितने भी एक्सरसाइज बताऊंगा वो प्रीवियस वीडियो का प्रीवियस एक्सरसाइजेस का कंटिन्यूएशन है वो मतलब आज जो एक्सरसाइजेज मैं बताने वाला हूँ दोस्तों वो सारे के सारे एक्सरसाइज तो करने ही हैं बट उससे पहले जितने भी एक्सरसाइजेज मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे वो सारे एक्सरसाइजेस भी करने हैं दोस्तों देखोगे आप कि करीब 15 से बीस दिन में आपके पैर में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगा दोस्तों चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों फटाफट से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला जो एक्सरसाइज है वो मैं एस uh, करने वाला हूँ एस मतलब स्ट्रेट लेग रेस जिसपे कि आपको अफेक्टेड पैर मतलब जो भी पैर टूटा हुआ है उस पैर को उठाना है दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा कि आपका जो पैर टूटा हुआ है उसके साथ-साथ जो पैर नहीं टूटा है जो पैर आपका ठीक है उस पैर से भी आपको सेम एक्सरसाइज करनी है दोस्तों अगर आप ऐसा करते हो तो आपको बैलेंसिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक पैर जो है वो स्ट्रोंग तो हो रहा है और दूसरा कमजोर रह रहा है दोस्तों अब मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको दोनों पैर से एक्सरसाइजेस करनी चाहिए बाकी आपकी मर्जी एक पैर जो पैर आपका टूटा हुआ है उस पर तो करना ही है दोस्तों चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट तो एस एल आर के लिए सबसे पहले क्या करना है ये जो टो है टो को जितना हो सके अपनी ओर खींचना है दोस्तों और पूरा टाइट करना है दोस्तों ये जितना भी नी नी है नी एरिया पूरा टाइट रखेंगे टो तो को अपनी ओर खींचेंगे और हम पैर को उठाएंगे स्ट्रेट कितना उठाना है जस्ट बेड लेवल से एक फुट अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि कोई यहां तक उठाते हैं कोई थोड़ा ही उठाते हैं बट आपको लगभग बेड लेवल से एक फुट उठाना है अगर आप ज्यादा उठाओगे तो जो इफेक्ट आपको क्वाड्रिसेप्स पे पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ेगा दोस्तों इसके लिए बेड लेवल से करीब एक फुट ही ऊपर उठाना है खैर चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से तो को अपनी ओर खींचा। अब काउंट करना है फिर से अप, तो पैर को ऊपर उठाया। इसका आपको टेन रिपीटेशन करना है दोस्तों दस बार अब बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे थे दोस्तों कि ये कितनी बार ये सारी एक्सरसाइजेस करनी है दोस्तों कम से कम आपको दो बार तो ये एक्सरसाइज करना है एक बार आप सुबह कर लो और एक शाम के टाइम में कर लो बट एडिशनली अगर आपको आपके अंदर strength है उतनी pain अगर बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है तो आप इसको तीन टाइम भी कर सकते हो दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं है खैर चलिए एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते दोस्तों ये देख रहे हो इसको कहते हैं कफ ये वेट कफ आपको एमेजोन पे अराउंड 300 सौ साढ़े तीन के आसपास आपको मिल जाएगा ऑनलाइन तो ये 1 के का वेट कफ है मतलब एक के का भार है इसमें आप चाहे तो एक हफ्ते के बाद अगेन आप एक के और बढ़ा सकते हो तो इस टाइप से वेट कफ को मैं लगा देता हूँ दोस्तों इससे एंड मैं सारे एक्सरसाइज अभी से मैं वेट कप के साथ ही बताऊंगा दोस्तों आप चाहे तो वेट कप के बिना भी ये सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हो बट अगर आप कैपेबल हो अगर आप इसको उठा सकते हो वेटकअप के साथ तो कर सकते हो तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं टो को सामने की ओर खींचा पैर को उठाया काउंट किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन नीचे रखा रिलैक्स चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। दोस्तों इसमें आपको ऐसे साइड बाय साइड करवट लेनी है इस टाइप से ऐसे करवट लेनी है और एकदम ये पोजीशन जो है एकदम स्ट्रेट रखनी है दोस्तों एंड अगेन अपनी खींचा एंड ऊपर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन रिलैक्स अब दोस्तों इसमें मेन पॉइंट जो है याद रखने वाली वो ये है कि ये जो आपका ये जो हिल देख रहे हो ये एडी एड़ी हमेशा ऊपर की ओर लगभग होनी चाहिए दोस्तों ऐसे अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसको टाइट भी नहीं करते हैं टो को अपनी ओर भी खींचते नहीं है ऐसे ऐसे जस्ट उठाते हैं उससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला आप पचास बार भी कर लो ये मसल्स जो है वो आपका एक्टिवेट नहीं होने वाला है दोस्तों आप एक बार ये करके देखना अब डिफरेंस तुरंत ही पता कर पाओगे क्या करना है टो को अपनी ओर खींचना है और हील को मतलब एडी को थोड़ा ऊपर की ओर पॉइंट करना है एंड उसके बाद वो लिफ्ट करना है एंड होल्ड करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन देन रिलैक्स दोस्तों इस एक्सरसाइज से क्या होगा कि ये जो आपका आईटी बैंड बोलते हैं इसको ये आईटी बैंड एंड हैंडस्ट्रिंग ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट होगा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुँचेगा इससे ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोस्तों आपको उल्टा ऐसे लेट जाना है टो को अपनी और लिफ्ट एंड फिर से टो को खींचा एंड लिफ्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन दोस्तों इस एक्सरसाइज से आपका ये जो हैमस्ट्रिंग प्लस ग्लूट मसल्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा दोस्तों ये मेन टारगेट ग्लूट एंड हेमस्टिंग मसल्स को करता है दोस्तों चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों मैं जितने भी एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ सबके आपको टेन रेपिटेशन करनी है दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है वो एस की तरह ही है जिसमें आप ऊपर उठाते थे इसमें क्या करना है आपको ऊपर उठा कर साइड में लेके जाना है कैसे मैं करके दिखाता हूँ टो तो को अपने टो तो को अपनी ओर खींचा ऊपर उठाया एंड देन ऐसे होल्ड करना है जितना हो सकता है दोस्तों ऐसे होल्ड करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अपने पोजीशन पे लाया एंड देन रिलैक्स फिर से टो तो अप ऊपर साइड की ओर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है पैर को जस्ट ऐसे ऐसे आपको मोड़ के रखना है फोल्ड करके रखना है एंड एक टॉवल, टॉवल को रोल करके भी आप यहाँ पे रख सकते हो नहीं तो इस टाइप का पिलो आपको लेना है पिलो को चाहे तो आप बीच से ऐसे फोल्ड करके भी रख सकते हो चाहे तो आप ऐसे भी करके रख सकते हो मेनली क्या करना है हमें टावल को या फिर पिलो को प्रेस करना है कहाँ पे ये नी के पास कैसे मैं बताता हूँ ये पिलो है मैंने फोल्ड करके ऐसे डाला और मुझे इस पर प्रेस करना है कैसे इस टेप से आप देखो प्रेस किया एंड इसको यहीं पे होल्ड किया एंड काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है ब्रिजिंग। पैर को ऐसे मोड़ेंगे यहां तक मोड़ेंगे अब क्या करना है ये देख रहे हो पूरा पूरा का पूरा लोड जो है हम लोग हिल पे देंगे एंड अपने बॉडी को ऊपर उठाएंगे दोस्तों कैसे कैसे हाथ मेरा यहां पे रहेगा कैसे? ऐसे एंड 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 होल्ड करना है रिलैक्स रिलैक्स फिर फिर से से इस एक्सरसाइज में ध्यान रखने वाली यह बात है दोस्तों कि आप जब ऊपर की ओर जाते हो तो आप देखना मतलब आप ट्राई करना कि ये जो थाई है एंड ये बॉडी है प्रॉपर एक लाइन में होनी चाहिए आप कोशिश करना कि ये एक लाइन में हो पहले आप इतना ऊपर की ओर नहीं खींच सकते हो बट धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा दोस्तों आप देखोगे कि 15 से 20 दिनों में आपका ये सारे मसल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे दोस्तों और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है दोस्तों तो ये एक्सरसाइज जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों वीडियो ना चाहते हुए भी काफ़ी लंबा हो रहा है तो वीडियो को मुझे यहीं पर बंद करना पड़ेगा यहीं पर एंड करना पड़ेगा दोस्तों मैं इसका ही कंटिन्यूशन में थर्ड पार्ट बनाऊँगा मतलब पार्ट थ्री आएगा फिर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी मैं बहुत सारे एक्सरसाइजेज में बताऊंगा तो आज की वीडियो में मैं बस इतना ही दोस्तों मिलते हैं आप सबसे फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बाय बाय दोस्तों